ईरान इस वक्त कई मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है और ऐसे में ये माना जा रहा है कि इसराइल जो है वो अपर हैंड पर है। लेकिन इसराइल भले ही हमास को तबाह और बर्बाद करने का दावा करे, लेकिन हकीकत में इसराइल गाजा युद्ध में बुरी तरीके से फंसता जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि लेबनान के हिजबुल्ला ने ईरान के साथ मिलकर इसराइल के खिलाफ बड़ी जंग शुरू कर दी है। ये इसराइल के लिए एक बड़ा चैलेंज के रूप में है। मर गया हमास, अब लड़ रहा है हिजबुल्ला। इजरायली सेना के दावों के मुताबिक 45,000 हमास के लड़ाकों में से लगभग 10,000 लड़ाके इजरायली सेना के हाथों मारे जा चुके हैं। 1300 सुरंगों में से 700 सुरंगें तबाह करने का दावा इजरायली सेना कर रही है। उत्तरी गाजा की 40,000 इमारतें तबाह करने का दावा IDF कर रही है। ऐसे हालात में अब हमास के बचे खुचे कमांडर और लड़ाके दावे कर रहे हैं कि भले ही जंग के मैदान में गाजा पट्टी और हमास को भारी नुकसान हुआ हो, लेकिन अब गाजा में हमास का बदला हिजबुल्ला के लड़ाकों ने लेना शुरू कर दिया है। जरा देखिए हिजबुल्ला के लड़ाके कितने बेरहम और घातक हमले इजरायली सेना पर कर रहे हैं। इसराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग में अब लेबनान सीमा से हिजबुल्ला भी इसराइल पर अटैक जोरदार तरीके से करने लगा है। हिजबुल्ला एंटी टैंक मिसाइलें छोड़ रहा है। इसराइल की सेना IDF यानी इसराइल डिफेंस फोर्स दो मोर्चों पर लड़ रही है, एक गाजा पट्टी और दूसरा लेबनान बॉर्डर पर आतंकी संगठन हिजबुल्ला से। इसराइली मीडिया के दावों के मुताबिक इसराइल ने 70 से ज्यादा हिजबुल्ला लड़ाकों को मार डाला है, लेकिन हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला की सीधी धमकी के बाद हिजबुल्ला ने सैकड़ों रॉकेट से इसराइल पर भीषण हमला कर दिया है। बमों की बिछादी चटाई, बेरूत ने लिया गाजा का बदला। लेबनान की तरफ से इसराइल के सैन्य ठिकानों पर जबरदस्त हमला हिजबुल्ला ने किया है। खबरों के मुताबिक दक्षिण में हमास के साथ युद्ध के बीच लेबनान द्वारा भारी बमबारी से उत्तरी इसराइल को झटका लगा है। इसराइल की IDF ने खुद माना है कि कुछ ही मिनटों के अंदर ही लेबनान की तरफ से एक के बाद एक 25 रॉकेट दागे गए हैं। इसराइली सेना के मुताबिक हिजबुल्ला के रॉकेट सासा और शटुला की बस्तियों के पास गिरे। लेबनान की ओर से उत्तरी इसराइल पर हमले को बदले की कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि IDF ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के कई ठिकानों पर भयंकर गोलाबारी की है। इसके पहले हिजबुल्ला ने दावा किया था कि उसने लेबनान के ऊपर उड़ रहे इजरायली एल्बिट हर्मेस 450 ड्रोन पर सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल दागी है। جنایتکاران جنگی و حامیان آنها در منطقه هشدار می‌دهم که تا دیر نشده جنایات جنگی رژیم کودک‌کش جعلی مر گیا حماس، اب لڑ رہا ہے حزب‌اللہ। हिजबुल्ला के पास ऐसे रॉकेट हैं जो इसराइल के किसी भी हिस्से को टारगेट कर सकते हैं। इसका अपना सशस्त्र विंग है जिसमें 1,00,000 से ज्यादा लड़ाके बताए जाते हैं। इसके अलावा हिजबुल्ला के पास 1,50,000 मिसाइल होने का दावा किया जाता है। हिजबुल्ला लेबनान के सेना से भी ज्यादा ताकतवर है। इसके पास बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं। हिजबुल्ला हमास से ज्यादा संगठित और ताकतवर है। हिजबुल्ला के पास इसराइल से लड़ने का खूब तजुर्बा भी है। उसके पास सबसे घातक आत्मघाती दस्ते हैं। गोरिल्ला युद्ध में इसके लड़ाके माहिर बताए जाते हैं। इसराइल के एक ड्रोन ने 18 नवंबर को तड़के दक्षिणी लेबनान के शहर नबातिये के बाहरी इलाके में एक एल्यूमिनियम संयंत्र पर 2 मिसाइलों से जबरदस्त हमला किया था, जिससे हिजबुल्ला को भारी नुकसान हुआ था। इसराइल के इस हमले को लेबनान समर्थित ग्रुप हिजबुल्ला को जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। हम आपको बता दें, बीते एक महीने से जारी हमास इसराइल जंग में लेबनान इसराइल के खिलाफ इस्लामिक देशों ने एकजुट होने की कोशिश की है, लेकिन इसराइली दांव पेंचों के सामने अरब और मुस्लिम मुल्कों की सारी रणनीति ध्वस्त हो गई।
והיא נעשית בצורה מדויקת, סלקטיבית, אבל מאוד מאוד נחושה. ככל שנעמיק את הפעולה הזאת, וככל שנגביר את הלחץ על החמאס ונשחוק עוד מפקדות, נפגע בעוד מנהרות, נחסל עוד פעילים ונוריד עוד ראשי ארגונים, ככל שהדבר הזה יגבר, כך גדל הסיכוי. इधर उत्तरी गाजा में भयानक तबाही और बर्बादी मचाने के बाद से इजरायली सेना ने कोहराम मचाना फिर शुरू कर दिया है। इस बार दक्षिणी गाजा को इजरायली सेना तमाम वादों को तोड़ते हुए हमास के ठिकानों पर हमले कर रही है। लगभग 18,000 हमले इजरायली सेना वेस्ट बैंक, उत्तरी गाजा और दक्षिणी गाजा में किए हैं। उत्तरी गाजा से भागकर दक्षिणी गाजा पहुंचे फिलिस्तीनियों पर दोहरी मार पड़ रही है। ताजा खबर के मुताबिक इजरायल ने एक बार फिर से जबालिया कैंप पर भीषण हवाई हमला किया है। इस हमले में 80 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट है। जबालिया के इस रिफ्यूजी कैंप में संयुक्त राष्ट्र का एक स्कूल भी है जिसे शेल्टर होम के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह गाजा का सबसे बड़ा रिफ्यूजी कैंप है। पिछले महीने भी इस रिफ्यूजी कैंप पर एयर स्ट्राइक हुई थी जिसमें 150 से ज्यादा लोग मारे गए थे। जबालिया में हमास ने दिखाया सफेद झंडा। وين كنت لما صار القصف يا عمو؟ وقت وين؟ انت صارت ثلاث دبات. وقت توقف. صارت الخط. وصارت في حفيد حية. والله صارت في حفيد حية. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 18 नवंबर की सुबह जबालिया रिफ्यूजी कैंप में संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित एक स्कूल पर एयर स्ट्राइक हुई। इस हमले में 50 लोग मारे गए। वहीं एक दूसरी बिल्डिंग पर भी हमला हुआ जिसमें एक ही परिवार के 32 लोग मारे गए। इनमें 19 बच्चे भी शामिल हैं। इजरायल और हमास के बीच चल रहे युद्ध में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बारह हजार से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। हालात ये हो गए हैं कि उत्तरी गाजा में बचे फिलिस्तीनियों के भूखे मरने की नौबत आ चुकी है। जबकि हमास के लड़ाके सफेद झंडा दिखाकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ खबरों में दावा किया गया है कि तबाह गाजा में मर रहे लोगों के पास खाने को कुछ नहीं बचा है।